हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये ब्लॉग है 19 तारीख का। 19 तारीख को था संडे। मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था दिन के 1:30 बजे से, लंच के टाइम में। और लंच में आज मैं कोई दाल चावल नहीं बना रही हूँ, कुछ अलग बना रही हूँ। अलग क्या, साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ और आपके संग उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं साबूदाने की खिचड़ी किस तरीके से बनाती हूँ। और रोज़ दाल चावल, कढ़ी चावल, ये सब चीज़ें खा के बोर हो गए थे हस्बैंड, तो उन्होंने कहा लंच में कुछ अलग बनाओ, तो बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने कढ़ाई रख ली थी, कढ़ाई में घी डाला था, उसमें डाल दिए मूँगफली के दाने। इसे हमें रोस्ट करना है स्लो टू मीडियम फ्लेम में। पर हमारे मूंगफली के दाने जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इसे फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट का समय लगा है और इसे अब निकाल लेंगे। तो घी मैंने थोड़ा सा और डाला है, घी हमारा गर्म है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है जीरा, जीरा हमारा हो गया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया अदरक और हरी मिर्च, इसे भी हमें 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है एक टमाटर मीडियम साइज का। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, और ताकि थोड़ा चला दिया है डालने के बाद, थोड़ा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं कटे हुए आलू कच्चे, आप चाहे तो बॉयल भी यूज़ कर सकते हैं। आलू डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अब इन आलूओं को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम चेक कर रहे हैं आलू, तो यहाँ हमारे आलू जो है पक गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे साबूदाना। साबूदाना ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च, आप चाहें तो यूज़ करें, आप चाहें नहीं करें। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। तो बस यहाँ हमारा साबूदाना अच्छे से मिक्स हो गया है, जितने भी मसाले हमने डाले थे उसमें। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया मूंगफली का दाना, और इसे 1 से 2 मिनट तक हमने ऐसे ही खुले पकाया। और तब तक जब ये पक रहा है खुले में, तब तक मैं काट रही हूँ हरा धनिया। तो बस अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, और बस यहाँ पर हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है साबूदाने की, खिली खिली। आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। बस यहाँ पर हमारी चाय भी तैयार है, और मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। और साबूदाने की खिचड़ी के संग चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो आज दाल चावल नहीं, आज कुछ डिफरेंट लंच बनाया था, तो आप लोगों को फिर से बुला रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और लंच कंप्लीट हो गया। लंच कंप्लीट करने के बाद जितने काम होते हैं हम लेडीज़ के, तो काम कभी ख़त्म होते नहीं है लंच करने के बाद के। गैस क्लीन वगैरह जो हमेशा होता है हर रोज़, वो सब हो गए हैं। और उसके बाद मैं बैठी हूँ जस्ट रिलैक्स करने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा रिलैक्स भी कर लेंगे और आपसे बात भी हो जाएगी। और हस्बैंड के साथ हो गई है मेरी लड़ाई। लड़ाई क्या, नोकझोंक है, लड़ाई तो नहीं है नोकझोंक। इसलिए एक्चुअली सुबह मॉर्निंग से ही हमारी जो लाइट है वो फ्लैक्चुएट हो रही थी। इन्वर्टर तो है, मैं उनको कह रही थी लाइट फ्लैक्चुएट हो रही है, तो क्यों हो रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उन्होंने कहा ऐसी होती है कभी कभार, तो फ्लैक्चुएट हो रही थी, इतना गौर नहीं किया। तो मॉर्निंग 6 o'clock से लाइट गई हुई है, और 3-3 पंखे चलते हैं, लाइट चलती है। तो इन्वर्टर जो है बोल गया, सेंस मीन्स अभी एक ही पंखा चला रखा है, अनन्या बैठ रखी है, मतलब आवाज़ करता है जब इन्वर्टर बोलता है, ओवरलोड होने लगता है उस पर। तो मैंने कहा सुबह से लाइट गई हुई तो अब तो आना चाहिए। तो मैं उनसे मॉर्निंग से बोली थी, आप जो सोसाइटी के सेक्रेटरी है उन्हें फ़ोन करके पूछ लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हमारी लाइट में? तो उन्होंने मुझे दिन में तो सुबह तो यही बोला कि अरे ऐसी लाइट जाती है, आ जाएगी। तो मैंने कहा दिन हो गया है, अब रात भी इस तरीके से लाइट चले जाएगी तो बिना इन्वर्टर भी ख़त्म होने वाला है। एक ही इन्वर्टर के नीचे, एक ही पंखे के नीचे रहते हैं। तो जब वो बोला तब उन्हें समझ में आया, यानी कि साउंड किया उसने कि हाँ भैया मैं ख़त्म होने वाला हूँ। तो उसकी साउंड की आवाज़ आई, तब उन्होंने जाके उन्हें होश आया कि हाँ बीवी ठीक कह रही है, और मुझे सोसाइटी के जो सेक्रेटरी उन्हें फ़ोन करके पूछना चाहिए। तो उन्हें फ़ोन करके कहा कि लाइट गई है, कुछ प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला लाइट तो गई नहीं है। तो अब बताइए गुस्सा नहीं आएगा? जब बीवी सुबह से बोल रही है तो सुनना तो चाहिए ना हस्बैंड को। तो उन्होंने कहा लाइट तो नहीं गई है, सुबह से लाइट है। तो उन्होंने कहा हमारा तो लाइट गई है। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम होगी आपके जो यहाँ पर जो क्या कहते हैं मीटर, हाँ मीटर में कोई प्रॉब्लम होगी, मीटर नीचे लगे हुए हैं ना बेसमेंट में, तो कोई प्रॉब्लम होगी। तो बुलाया तो बेसमेंट में मीटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर एक जो प्लग से लगे रहते हैं, जब वो खोलेगा तब मैं दिखाऊंगी आपको कि किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो वो अभी चेक करके गए हैं, तो उन्होंने बोला है कोई पार्ट फूका है। तो बैठे बैठाए 1000 रुपये की चपत लग गई है, तो वो एक पार्ट है वो 1000 रुपये का आएगा। और मैं सुबह से बोल रही हूँ कोई प्रॉब्लम है, फ्लैक्चुएट करिए तो आप फ़ोन करके पूछ लो। तो इस वजह से हम दोनों हस्बैंड वाइफ की थोड़ी ऐसी बहस हो गई। बहस सेंस में तो मैंने कहा कि सुनते नहीं हो एक बार कहने में, जब बीवी बोलती है तो सुन लिया करो। तो वो बोल रहे थे मेरे को क्या पता, तो मैं तो सोचा लाइट गई है। मैंने कहा सोचने से कुछ नहीं होता है, बातों को मान लिया करो, इसीलिए थोड़ी नोकझोंक हो गई है, दिमाग ख़राब होता है। बैठे बैठे खर्चे जब होते हैं नुकसान होता है, 1000 रुपये कहीं और, हम 1000 रुपये खर्च खत्म होना तो समझते हो। इस लॉकडाउन में पैसे पैसे के लिए लोग कैसे
मतलब गुजारा कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके मैं सोचती हूँ कि लोग किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं और हम जो है कम इन्वेस्ट करेंगे। अगर कोई चीज़ ले रहे हो, आपके काम आ रही हो, तो एक बात है, ठीक है, ये बैठे बैठाए अगर हम उसी समय गौर कर लेते या उसी समय हमें पता चलता तो इतना खर्चा नहीं होता 1000 रुपये का। तो इसमें मानती हूँ हस्बैंड की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन सुन तो लेना चाहिए। अब इन्वेटर पूरा अब कभी भी किसी भी समय बोल सकता है, और जो वो सही करने वाला है अभी तो वो चेक करके गया है, फिर वो बाजार जाएगा, वो पार्ट लेके आएगा, तब तक इन्वेटर रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब बोल जाएगा, पता नहीं है। वो बोल तो रहा है 4 से 5 बजे के बीच में आके मैं लगा के चले जाऊँगा। तो इसी चीज़ को लेके हम दोनों हस्बैंड वाइफ में थोड़ी लोक झोंक हो गई है, और गर्मी के मारे आप देख सकते हैं पसीने। तो एक ही अभी अनन्या को मैंने बोला है, वो तो फैन के नीचे बैठे, जब तक इन्वर्टर है तब तक तो बैठे। तो बस, और कहते नहीं है हस्बैंड लोगों को कुछ पता तो होता नहीं है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई हस्बैंड के साथ, क्योंकि उन्हें कुछ पता तो होता नहीं है, बीवी की बात तो माननी नहीं है। अगर बीवी की बात मान लेंगे तो झुक जाएंगे ना, हस्बैंड का ईगो भी तो है कुछ। तो बस क्या करें, हर घर घर की कहानी है शायद। आ गई हूँ मैं बेडरूम में, और यहाँ पर अनन्या ने बेडरूम की जो विंडो है उसे खोल रखी थी। एक्चुअली वो स्टूल रख लेती है, उसके ऊपर चढ़ के विंडो खोल लेती है, फिर खेलती है। आई डोंट नो, पता नहीं बच्चे क्या क्या करते रहते हैं, इनके दिमाग में क्या खुराफाती चलती रहती हैं। और मुझे करने हैं इतने सारे कपड़े फोल्ड, और इनको फोल्ड करने में ही आधे से एक घंटा लग जाता है। उस कपड़े ही फोल्ड करना नहीं होता है। जब मैं अलमीरा कपड़े रखने के लिए खोलती हूँ तो जितने कपड़े मैं अरेंज करके रखती हूँ फिर वो मुझे बेकार मिलते हैं, तो फिर उनको अरेंज करना पड़ता है। तो 1 से 1.5 घंटा कहीं नहीं लगता है जब भी मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ, तो ये काम मेरे एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं हर बार। कैसे आप? ठीक हो? बोलो ठीक हो। थैंक यू। दे दो। आपका नाम क्या बता दो? नाम बताओ अपना। व्हाट इज योर नेम? अनन्या भंडारी। अच्छा, आपका नाम अनन्या भंडारी है? अच्छा, चलो बाय कर दो। तो बस यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रिशियन भैया। टाइम आपको दिख रहा होगा, मैंने कपड़े अरेंज किए, कपड़े तय किए, फिर अरेंज किए, फिर अनन्या के संग थोड़ी गप्पे की आपको भी सुनाई है, उसके संग खेली। बच्चे को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। इसी बीच में ये आ गए हैं, और टाइम बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने घड़ी लगी है। और चाय मैंने रख दी, और तो ये ब्लू ब्लू से जो दिख रहे हैं, इनके अंदर का कुछ पार्ट था वो ख़राब हो गया है। तो बस बैठे बैठाए बिना बात के जो है यहाँ पर खर्चा हो गया फिजूल में। चाय हमारी बन के तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ मैं भून रही हूँ थोड़े से पापड़। तो आपको थोड़ा मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, थोड़ी सी आवाज़ आएगी बैकग्राउंड में, तो माइंड मत करिएगा, एक्चुअली फ़ैन चल रहा है तो उसकी आएगी। तो लाइट जो है वो ठीक हो गई है, फाइनली रिलीफ मिला है। और बस यहाँ पर अनन्या ने कार्टून में चलते हुए देख ली नेल पेंट, तो वो जिद पकड़ के बैठ गई, मम्मा मुझे नेल पेंट चाहिए। तो बस उसके हाथों में नेल पेंट लगा दी है, अब उसके पैरों में लगा रही हूँ। तो लड़कियों जो है शुरू से जो है फैशनेबल होती हैं। मैं नेल पेंट बहुत कम लगाती हूँ, मैं एक्चुअली अपना बता रही हूँ, मगर मेरी बेटी मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है, उसको मेकअप वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ पर मैंने पालक निकाली है काटने के लिए, और अनन्या कह रही है कि मैं काटूंगी, तो वो लेके चली गई है बाहर। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसको बोल रहे हैं कि पालक इधर लेके आओ, तो बस वो तेज से बोला है तब वो लेके आई है। तो बच्चों को शौक अलग अलग होते हैं, आप देख सकते हैं वो किस तरीके से कर रही है। तो बस पालक मैंने काट ली फाइनली, अब मैं यहाँ लगा रही हूँ पालक में तड़का। तो कढ़ाई रख दी थी, तेल डाल लिया था, तेल गर्म हो गया था, उसमें ऐड कर दिया जीरा, जीरा हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर दी, इसे हमें कलर देना है। लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से हो गई है, अच्छा सा कलर आ गया। इसमें ऐड कर देंगे पालक और रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हींग, और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कुक होने देंगे। आज मेरे डिनर में सब कुछ हरा हरा होगा। पालक की दाल भी मैंने बनाई है, और इसकी रेसिपी मैं आपके संग बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए नहीं की है। और पालक बच रही थी इसलिए सब्जी बना दी पालक की। जब तक हमारी सब्जी हो रही है मैं यहाँ बीन रही हूँ चावल, और मुझे करनी है आप लोगों से बात। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप जो मेरी बेटी को इतना पसंद करते हो, आप उसे ढेर सारा प्यार जो भेजते हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बस इसी तरीके से प्यार आप मेरी बेटी पे और मुझ पे बनाए रखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और फैमिली और फ्रेंड के संग शेयर भी कर दीजिएगा। तो सब्जी बन गई है, सलाद भी बन गया है, और चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं धो के। और ये दूसरी वाली कौन है? ये आपने बनाई ना, ये अनन्या है, दोनों अनन्या। और क्या बनाया आपने बताओ? ओ देखे आओ ना।
अच्छा, अनन्या ने फ्रॉक में फ्लावर पहन रखा है। ओ अनन्या ने बनाई है, कितनी सुंदर ड्राइंग है ना। तो बस हमारा यहाँ डिनर की थाली लग के तैयार है और ये अनन्या की प्लेट है ग्रीन वाली और आज सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो रखा है। तो प्लीज आप लोग भी कर लीजिए डिनर हमारे साथ। बिना बोले अगर कोई मनुष्य कहीं आता है बिना बुलाए अप्रष्टो बहु भाजते हैं, मतलब बिना पूछे ही बहुत कुछ बोलता है। अविश्वस्य विश्वसीति, मतलब जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पे विश्वास करता है। मूढ़ चेता नराधम, ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है। ये श्लोक में तो सुन लिया ना आपने, मूर्ख होता है वो। संस्कृत के साथ साथ और अनन्या पढ़ के सुना रही है आपको इंग्लिश में बुक, इसमें संस्कृत के टाइप की। ठीक है, तो बस हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है। डिनर कंप्लीट करने के बाद हम तीनों चौकड़ी ऐसे बैठे हैं, बात कर रहे हैं और थोड़ी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को ज़्यादा ना लंबा करते हुए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट कर दो नन्या, सिर्फ कर दो। गुड नाइट, बाय बाय।